नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बच। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और यहाँ पे हम टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके रेलवे की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है और इसके क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकालेंगे, सभी कुछ को हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने बैंक में क्या किए, 1,000 रुपये जमा किए, ये 1 साल के बाद क्या होता है, ये 1 साल के बाद 1,100 रुपये बदल जाता है। मतलब ये कितने साल के बाद हुआ, 1,100 रुपये। फिर क्या होता है कि एक और साल बीता, 2 साल के बाद यही पैसा क्या हो जाता है, 1,300 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है देखिएगा, ये क्या था, शुरुआत में इनिशियल प्रिंसिपल था, 1,000 रुपये क्या था आपका, प्रिंसिपल था, जो मूलधन था वो आपने जमा किया था बैंक में, वो चीज था 1,000। अब 1,000 रुपये अगले साल क्या हो जाता है, 1,100 रुपये, तो ये क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, ठीक है, पहले साल का अमाउंट हो जाता है। बट यही अमाउंट दूसरे साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। यही अमाउंट क्या होगा, दूसरे साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। अब जो ब्याज मिलेगा वो 1,100 पे मिलेगा, ना कि आपको 1,000 पे मिलेगा, ठीक है। अब ये जो 1,300 आप देख रहे हैं ये दूसरे साल का अमाउंट है, बट ये अगर हम जाएंगे तीसरे साल में तो यही तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर तीसरे साल आपको ब्याज देना होगा तो इससे तीसरे साल आपको ब्याज देना होगा, तो इस 1,300 रुपये पे मिलेगा। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ, ठीक है ना, इस चीज को तो समझिएगा ध्यान से। यही अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज के बारे में, एसआई के बारे में बात करें, तो एसआई में क्या होता है कि आप पैसा 1,000 ही जमा करते हैं, ये कितने साल के लिए भी जमा करेंगे, 10 साल के लिए भी जमा करेंगे, तो आपका प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा। बट सीआई में क्या हो जाएगा कि आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एसआई और सीआई में आपको डिफरेंस आया समझ में, कि एसआई में क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा, एक बार जो आपने पैसा जमा किया आपको ब्याज उसी पे मिलेगा। और सीआई में क्या होगा कि एक बार आपने जो पैसा जमा किया वो हर बार क्या होगा, चेंज होगा, हर बार आपको अमाउंट पे, जो भी अमाउंट होगा उस पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, इसको समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो बैंक में जैसे एफडी खाता होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जो खाता होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे होता है। बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट पे होता है। मान लीजिए कि आपने 5 लाख जमा किए, और ये जो आपने 5 साल के लिए इसको फिक्स कर दिया, मतलब 5 साल के लिए लॉक कर दिया, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलेगा, इस 5 लाख पे मिलेगा। मतलब ये जो 5 लाख आप देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। वही अगर हम बात करें आरडी के बारे में, आरडी के बारे में बात करें तो आरडी, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट हो गया, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट हो जाता है। तो आरडी में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये से खाता खुलवाया, 3 महीने बाद ये पैसा मिल गया 10,000, मान लीजिए 1,050 रुपये मिल जाता है, तो अब ब्याज आपको 1,050 रुपये पे मिलेगा। मतलब इसमें क्या होता है कि ये सीआई पे काम करता है, आरडी जो होता है वो सीआई पे काम करता है, बट एफडी क्या होता है वो एसआई पे काम करता है, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने बता दिया आरडी और एफडी का, और भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि एसआई पे है या सीआई पे है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एसआई और सीआई के बीच में। चलिए अब देखते हैं कि सीआई के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, उसको ध्यान से समझिएगा कि सीआई के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है कि बेस क्या होता है, बेस आपका प्रिंसिपल होता है, पी सबसे पहले निकालना है, ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बेस होता है। तो इतना आप लोगों को पता चल गया। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए इक्वल टू में क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100 होता है, नहीं, ए इक्वल टू में क्या होता है, पी इंटू में 1 प्लस में आर बाई 100 के पावर में एन होता है। एन मतलब कितने टाइम्स के लिए पैसा जमा करते हैं, कितने टाइम्स आपको वो अमाउंट मतलब ब्याज देगा, वो एन मतलब टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं किसका मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है, ए मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है, ठीक है, मिश्र धन। और उसके बाद पी मतलब क्या होता है, मूलधन होता है, पी मतलब क्या होता है, मूलधन होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, तो उसके बाद आर मतलब क्या होता है, दर होता है, ये पहले मैंने बताया कि आर मतलब क्या होता है, दर होता है। और एन मतलब मान सकते हैं टाइम होता है, समय होता है, एन मतलब क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है।
तो ये सब मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, काफी आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये जो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो अमाउंट अपॉन में पी कीजिएगा तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अमाउंट अपॉन पी से क्या क्या निकलेगा, एक तो टाइम निकल जाएगा अमाउंट अपॉन पी से, और दूसरा रेट निकल जाएगा, हम इस चीज को यूज करेंगे अमाउंट अपॉन पी। जब भी आप क्वेश्चन में अमाउंट और पी को देखेंगे तो दो चीज निकाल सकते हैं, टाइम और रेट निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों आपको पता है तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं और पी भी निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे हम इसको समझेंगे। अब कुछ और बेसिक फॉर्मूला हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक हो गया, और कुछ बेसिक और फॉर्मूला है उसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग बाकी के बेसिक फॉर्मूला, देखिएगा। बेस आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए जो टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है क्या, एक्स पूर्णांक में ए बाई बी, ऐसे करके टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स पूर्णांक में ए बाई बी आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तब यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू में वन प्लस में आर बाई हंड्रेड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो x है ना, ये पावर में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में वन प्लस में a बाई बी इंटू में आर बाई हंड्रेड। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने एक फॉर्मूला अभी बना लिया। पहला फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो दो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद मान लीजिए एक और फॉर्मूला होता है कि अमाउंट निकालने का होता है, a इक्वल टू में p इंटू में वन प्लस में आर वन। जब आर जो रेट होता है हर साल का अलग अलग हो जाता है, तब ऐसे करेंगे वन प्लस में आर वन, वन प्लस में आर टू, वन प्लस में आर थ्री, ऐसे करके ये चलते जाएगा आर थ्री बाई हंड्रेड, ऐसे करके इसको चलाते जाइए, ठीक है। ऐसे करके इसको चलाते जाइए और वन प्लस में आर एन बाई हंड्रेड हो जाएगा, ठीक है। एन टाइम्स हो जाएगा, जितने टाइम्स भी होगा उतने टाइम्स हम क्या करेंगे, इसको लिखते जाएंगे। एक और फॉर्मूला होता है अर्धवार्षिक का, हाफ ईयरली का क्या होता है, ठीक है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ इन दोनों फॉर्मूला को, इनको आप लिख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोनों के दोनों फॉर्मूले पे। अब देखिएगा तीसरा फॉर्मूला, देखिएगा यहाँ तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपके सामने। तीसरा फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे है हाफ ईयरली का, क्या है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का, ठीक है ना, हाफ ईयरली का। देखिएगा हाफ ईयरली में सबसे पहले क्या कीजिएगा, रेट जो भी होगा उसको दो से भागा दीजिएगा। रेट को क्या करेंगे, दो से भागा देंगे, एंड टाइम को क्या कीजिएगा, दो से गुना कीजिएगा। टाइम को क्या कर देंगे, दो से गुना कर देंगे, दो गुना में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले काम करना है, और बस फॉर्मूला जो लगाते हैं, ए इक्वल टू में क्या हो जाता है, पी इंटू में वन प्लस में आर बाई टू बाई हंड्रेड, और यहाँ पे टू टी। तो यहाँ पे पहले से आप कर लीजिएगा जो बेसिक फार्मूला होता है, बस उसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो गया हाफ ईयरली का फार्मूला। हम क्वेश्चन भी बना के देखेंगे कि हाफ ईयरली पे किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला थे दोस्तों, वो मैंने आप लोग को बता दिया। एक और चीज मुझे बताना है, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग को एस आई और सी आई में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिएगा एक चीज आप लोग को पता है कि अमाउंट इक्वल टू में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सी आई होता है। अमाउंट इक्वल टू में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सी आई, या फिर अमाउंट इक्वल टू में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एस आई। एस आई होगा तो एस आई ऐड कीजिएगा, और सी आई होगा तो सी आई ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और फार्मूला मुझे याद आ रहा है, तो वो भी देख लीजिएगा। अब डिफरेंस पूछा जा सकता है कि सी आई और एस आई का जो डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डिफरेंस का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, दो साल का पहले बताऊंगा, पी आर स्क्वायर बाई हंड्रेड द होल स्क्वायर। ये कितने साल का हो गया, दो साल, यहाँ भी लिख देता हूँ फोर टू ईयर, फोर टू ईयर ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ लिखिएगा डी इज इक्वल टू में पी आर क्यूब, पी आर क्यूब होता है, ठीक है ना, बी ए डी ए पी आर स्क्वायर 300 प्लस में आर होता है, ठीक है, तीन साल के लिए। अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 द होल क्यूब। ये कितने साल के लिए होता है, अगर टाइम आपका तीन साल दिया होगा तब इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये दोनों फॉर्मूला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जितने भी बेसिक फॉर्मूला था वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब आगे क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वहां भी मैं बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब हम टाइप वन, क्वेश्चन नंबर वन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा
ध्यान से देखिएगा, टाइप वन पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाने की इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है टाइप वन में, 8000 रुपए का 3 वर्ष का 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सीआई आपसे पूछा गया है। तो हम लोग अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, हम लोग का सीआई निकल जाएगा। तो डेटा आपके पास पता है कि 5000 रुपए, एक बार पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं डेटा लिख देता हूँ कि 5000 रुपए आपके पास है। तो उसके बाद टाइम जो दिया हुआ है वो 3 साल दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है वो 3 साल दिया हुआ है। उसके बाद जो रेट दिया हुआ है वो 5% है, रेट कितना है 5% है, रेट कितना है यहाँ पे 5% है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा पी, और मैं इसको दो तरीके से भी बताऊंगा आपको, इसमें क्या निकालना है सीआई निकालना है। तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, जो रेट है ना उसको 100 में ऐड कर दीजिए। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी सब क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा डायरेक्ट बनाऊंगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ए इक्वल टू में पी का जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए 5000। अब यहाँ पे 5 है ना, तो 105% लिख लीजिए, केवल 100 में ऐड कर दीजिए 5 को, 105% है, और टाइम आपका 3 साल है, तो ये क्या हो जाएगा 21 और ये क्या हो जाएगा 20। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने केवल क्या किया, सीधा फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को पुट किया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं इसको डायरेक्ट भी बताऊंगा, अभी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा आप लोग को, मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8000 है ना कि 5000, यहाँ पे 8000 है ना कि 5000, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 8000 गुना में 9261 बटे में 8000, ये कट जाएगा, तो आपका जो अमाउंट निकलेगा 9261, ये क्या निकल गया अमाउंट निकल गया, ठीक है, ये क्या निकल गया अमाउंट निकल गया, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब सीआई आप लोगों को पता है कि सीआई क्या होता है, सीआई इक्वल टू में अमाउंट माइनस में पी। अब अमाउंट कितना है 9261 माइनस में 8000, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 1261, कितना आ जाएगा 1261, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने काफी आसानी से बना लिया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है हम लोग चलते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिएगा 20000 रुपए को 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई आपसे पूछा गया है, ठीक है, 20000 रुपए के लिए। तो जहां मुझे ट्रिक लगेगा कि यूजफुल है वहां मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। देखिएगा 20000 रुपए है, तो सीधा हम लोग ए इक्वल टू में क्या करते हैं 20000 रुपए लिख देते हैं, 20000 रुपए हमने लिख दिया, और यहाँ पे रेट कितना है, रेट है 10%, मतलब कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, 110% हो जाएगा, और कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, और यहाँ पे 20000 रुपए यहाँ लिख दीजिए ऐसे करके, और गुना में 121 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कीजिए तो 242 हो जाएगा, 242 पे 20 हो जाएगा, तो 24200 रुपए आपसे सीआई पूछा गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सीआई क्या हो जाएगा, तो सीआई इक्वल टू में अमाउंट माइनस में अमाउंट कितना आ गया 24200 रुपए आ गया, माइनस में क्या कर दीजिए 2000 रुपए कर दीजिए, 2000 रुपए कर दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 4200 रुपए क्या निकल जाएगा सीआई निकल जाएगा, 4200 रुपए क्या निकल जाएगा सीआई निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अगर देखिए इस क्वेश्चन को हमको ट्रिक से बनाना होगा, जल्दी बनाना होगा, बिना किसी फॉर्मूले के बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, आपके पास जो रेट लिखा हुआ है ना, रेट को लिख लीजिए 10%, जो रेट है उसको लिख लीजिए 10% है। अब ये 10% को 110% बना लीजिए, 110% बना लीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा 110 बटे में 100, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 100 में ऐड कर दिए। अब टाइम कितना है 2 साल, टाइम कितना है 2 साल, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ 2 बार गुना करेंगे तो 121 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, ऊपर भी 2 से गुना कीजिए, नीचे भी 2 से गुना कीजिए, जितना प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल आपका 20000 है, प्रिंसिपल कितना है 20000 है, ठीक है, तो इससे नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है अमाउंट, नीचे क्या होता है प्रिंसिपल, इस फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है ना, आपको तो पहले क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि 20000 कैसे आ जाएगा। तो यहाँ 20 है, मतलब इसको 200 से गुना करना होगा, इसको भी 200 से गुना करना होगा, मतलब क्या हो जाएगा 242 हो जाएगा, उस पर 20 हो जाएगा, और यहाँ 20000 हो जाएगा, उस पर 20 मतलब 20000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल के फॉर्म में आ गया,
अमाउंट और प्रिंसिपल को घटा लेंगे तो 4200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितने आसानी से हमने बिना फॉर्मूले के बनाया। आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 1200 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.12 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करें, जबकि ब्याज छमाही हो मतलब अर्धवार्षिक हो मतलब हाफ ईयरली हो। तो प्रिंसिपल आपके पास है 1200 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपए, रेट को क्या करेंगे हाफ करेंगे मतलब 20/2 करेंगे क्योंकि छमाही है, 6 महीना में एक बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो 10% हो जाएगा, और टाइम को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। जब उसको सॉल्व कीजिएगा 1.2 को और उसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा आगे, अब क्या हो जाएगा आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास फॉर्मूला भी है और ट्रिक भी है, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ट्रिक अगर यूज करना है आप लोग को तो उसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ट्रिक ही यूज करते हैं तो R इक्वल टू में कितना आ गया 10%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110% मतलब 110/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा क्योंकि 3 साल है, 1 0 से 1 0 कट गया मतलब ये कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा 1331/1000। अब इसको क्या कीजिए 12, इसको सबसे पहले क्या कीजिए 133.1 बाई 100.0 मतलब 10 से दोनों को भागा कर दिए, अगर 10 से भागा कर देंगे तो यहाँ 133.1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, अब इन दोनों को घटा लीजिए पहले क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। हम जानते हैं कि हम अमाउंट अपॉन में पी के फॉर्म में ला चुके हैं, ये किस फॉर्म में लेके आए अमाउंट अपॉन में पी के फॉर्म में ला चुके हैं, ठीक है, ऊपर अमाउंट होता है नीचे पी होता है, तो यहाँ घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 33.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33.1। आप चाहे तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, आप पहले अमाउंट निकालिएगा फिर आप क्या निकालिएगा CI निकालिएगा। हमने क्या किया अमाउंट अपॉन में पी के फॉर्म में लाया और इसको घटा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे जो 33.1 है ना उसको 12 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि अगर ऊपर नीचे 12 से गुना करते तो नीचे 1200 आ जाता जो कि प्रिंसिपल है जिसके इक्वल आ जाता, ठीक है। अब केवल 12 से गुना करना है आपका CI निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 12 से गुना करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 331 गुना में 12 तो ये हो जाएगा 662 और यहाँ पे हो जाएगा 331 मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा 397/2 तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 397.2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन है टाइप 2, ध्यान से देखिएगा टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा 1000 रुपए का 2.14 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ध्यान से देखिएगा वार्षिक लिखा हुआ है ना कि अर्धवार्षिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा। बट यहाँ पे टाइम क्या दिया है पूर्णांक में दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा 1000 रुपए है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, P into 1 plus में R/100 के पावर में X मैंने बताया था और यहाँ पे क्या बताया था 1 plus में A/B into में R/100 ऐसा कुछ मैंने बताया था आप लोग को। अब टाइम भी वैसा ही लिखा हुआ है, टाइम क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है 2.14, बस इसी पे पुट कीजिए A = P आपको 1000 दिया है, P कितना दिया हुआ है 1000, ध्यान से देखिए P कितना दिया हुआ है 1000 और 1 + R/100। अब यहाँ वार्षिक लिखा है मतलब 105 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 में सीधा ऐड कर देंगे 105 हो जाएगा और यहाँ 2 है ना X के जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे, पूर्णांक वाला जो वैल्यू है फ्रैक्शन वाला जो वैल्यू है ना वो इसमें ले जाएंगे तो 1 + 1/4 गुना में 5/100 हो जाएगा, 1 + 1/4 गुना में 5/100। अब आपको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मतलब CI निकालना है, तो CI हम लोग निकाल सकते हैं, बस इसको क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 21/ में कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा मतलब 1000 हो जाएगा यहाँ पे
गुना में 441 बटे में कितना हो जाएगा, 441 बटे में हो जाएगा 400 हो जाएगा, 441 बटे में 400। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 20 है, अब ये होना चाहिए 81 बटे में 80 हो जाएगा, ठीक है 81 बटे में 80 हो जाएगा। तो ये 10, 20 से 20, ये 10 से 10। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो मैं सीधा आपको कैलकुलेट करके ही बता देता हूँ कि यहाँ कितना आएगा। तो जब यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो 1116.28 आ जाएगा, 1116.28 आ जाएगा यहाँ पे। और जब CI निकालिएगा तो CI कितना हो जाएगा, इन दोनों को घटाइए 1000 में से, क्या कीजिए 1000 इसमें से घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा 116.28 आ जाएगा आपका CI, 116.28 रुपीज कितना आ जाएगा CI आ जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CI कितना आ गया 116.28, घटा के देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 2। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, देखिएगा कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि 1200 रुपए का एक पूर्णांक 1/2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो सेम यही क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, तो इक्वल टू में 1200 है कि 12000, तो 12000 लिखिए। ये 100000 में आप डाउट नहीं कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में नंबर चला जाएगा, ठीक है। मेरे से हमेशा यही गलती होता है, 1+ में, अब यहाँ पे 20%, मतलब सीधा लिखिए ना 120%, सीधा लिखिए 120%। पहला समय कितना है, 1 साल, तो 1 साल से तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिएगा दूसरा समय, देखिएगा दूसरा समय यहाँ कितना दिया हुआ है, 1+ में 1/2 लिखा है ना, 1/2 लिखेंगे, गुना में 20 बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 20 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा 10 बार में कट गया, मतलब 10% है। तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन अब आसान हो चुका है। तो 12000 गुना में क्या करेंगे, ये हमने कर दिया, और गुना में कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, मतलब 110 बटे में 100 हो जाएगा ये। अब यहाँ से कट गया, यहाँ से 10 और कट गया, यहाँ से 10 और कट गया, अब बस इनको गुना करना है और हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। जब गुना कीजिएगा तो अमाउंट निकलेगा 15840, अमाउंट कितना निकलेगा 15840 आपका अमाउंट निकलने वाला है। अब यहाँ पे CI निकालिएगा तो CI कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस में P हो जाएगा, अमाउंट हो गया कितना, अमाउंट हो गया 15000, ध्यान से देखिएगा 15840, अमाउंट कितना हो गया 15840, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12000। अब ये कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो अमाउंट CI इक्वल टू में आप लोगों को दिख रहा होगा, CI इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3840 आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए आगे देखिएगा, अगले टाइप को देखते हैं, और अगला टाइप है हमारे पास टाइप 3, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको एक से एक देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन है। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन लगाया जाए कि वह 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपया हो जाए। तो 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपया हो जाता है, मतलब ये बढ़कर बोला है ना, मतलब ये अमाउंट बोला गया है कि 676 रुपए। अब आपको अमाउंट दिया है, टाइम दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, सालाना दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है 4%, रेट कितना दिया हुआ है 4%। हम चाहे तो फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो बिना फॉर्मूले के भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सालाना वाला क्वेश्चन है। तो सीधा क्या लिखिए, रेट को 104 बना दीजिए, रेट को क्या बना दीजिए 104 बना दीजिए, 104% है, क्योंकि 100 में ऐड कर दीजिएगा। अब 26 से काटिएगा 4 बार में और 25 से काटिएगा, अब ये कितना आ गया 26 बटे में क्या हो गया 25 हो गया। अब इसका क्या कीजिए, जितना टाइम है उतना लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए इस पे, तो इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो 676 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 625 आ जाएगा। ये देखिए कितने जल्दी अमाउंट अपॉन में P के फॉर्म में आ गया, आपको लाना भी नहीं पड़ा। तो अब आपको क्या पूछा है, अब आपको क्या पूछा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या पूछा है कि प्रिंसिपल पूछा है। तो देखिए नीचे प्रिंसिपल है, ऊपर अमाउंट है, तो P इक्वल टू में कितना हो जाएगा 625 रुपए P था। तो देखिएगा कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, कितने वर्षों में 800 रुपए का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 882 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अमाउंट और पी दिया हुआ है, अब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, कितने वर्ष है, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं, अमाउंट लिखिए कितना है 882, क्योंकि जो ज्यादा है वो अमाउंट होता है, जो कम होता है वो प्रिंसिपल होता है। और क्वेश्चन को भी पढ़ के आप लोग को समझना है, हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में नहीं आता है तो हिंदी में देखिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट अपॉन में पी करेंगे, इससे हम लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट को बैठाएंगे 882 अपॉन में, कितना हो जाएगा 800 रुपए हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 400 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 441/400। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको शायद निकालना है यहाँ पे 5% दिया हुआ है। ठीक है, 5% दिया हुआ है, तो उसका अभी काम नहीं है हम लोग को, 5% का काम नहीं है अभी यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 21/20 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने यही पे क्वेश्चन बना लिया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता कि ये 21/441 को ये यही पे बन जाएगा ना, यही पे आपका निकल गया है 2 साल। तो आप केवल स्क्वायर और क्यूब याद रखिएगा, 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ताकि इसमें भी काम आ जाए, और 1 से लेके 30 तक का क्यूब याद रखिएगा। आपसे कोई दुनिया का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही और सीआई का जो नहीं बने। ठीक है, तो ये देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब समय आ गया 2 साल, अगर परफेक्ट क्यूब बनता तो समय आते 3 साल। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 4, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 4 ध्यान से देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि 400 रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्र वृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ सीआई दिया हुआ है 41 रुपए, सीआई कितना दिया है 41 रुपए, और प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 400 रुपए दिया हुआ है। अब आपको क्या बोला गया, अमाउंट निकाल लीजिए इससे, तो 400 प्लस में क्या हो जाएगा 41 करेंगे तो 441 रुपए क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। ये तो आप लोग देख के यहाँ तक कर सकते थे। अब यहाँ पूछा गया कितने प्रतिशत पूछा गया, तो कुछ नहीं करना है, जो काम अभी किए थे अमाउंट अपॉन में पी के फॉर्म में लिख लिए, मतलब 441 ऊपर और यहाँ पे 400 नीचे, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, परफेक्ट क्यूब होता तो परफेक्ट क्यूब बना लेते, जो भी होगा उसको बना लेंगे। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल 21/20 को लिख लीजिए यहाँ पे और गुना में 100 कर दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 5 बार में मतलब कितना आ गया 105 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 105 रेट तो होगा नहीं, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा 100 में से घटा लीजिए, 5% आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए बिना किसी फॉर्मूले के हमने बना लिया, आप चाहे तो जो बेसिक फॉर्मूला है उस पर भी पुट करके बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, और कोई भी काम हमने बिना, ये जो हमने काम किया ना ये भी फॉर्मूला का मदद लेके ही किया, ट्रिक जो बनाया, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिएगा 1200 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 रुपए हो जाता है, हम लोग को कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे 1200 रुपए 1323 रुपए अमाउंट है और 1200 रुपए क्या है प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे क्या टाइम आपका 2 साल दिया है, तो सिंपल आपको पता चल गया कि स्क्वायर रूट निकालना है, जब टाइम दिया होगा तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे या क्यूब रूट निकाल देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए 3 से, तो ये 441 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 400। अब 441/400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। फिर से रेट निकालना है तो 100 से गुना कीजिए, क्योंकि रेट क्या होता है परसेंटेज में होता है, और परसेंटेज में है तो 100 से गुना करना होता है फ्रैक्शन को। ठीक है ना, तो ये 5 बार में कट गया, मतलब 105 हम लोग का आ गया। अब 105 मतलब क्या हो जाएगा 5% आपका रेट हो जाएगा, 105 मतलब क्या हो जाएगा 5% आपका रेट हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। चक्र वृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष में चार गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है चक्र वृद्धि ब्याज पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे सिंपल बोला गया कि अमाउंट कितना हो जाता है, 4x हो जाता है, और प्रिंसिपल कितना होता है, x हो जाता है। ठीक है, 2 साल में 4 गुनी हो जाती है। तो आपको मैंने बताया अमाउंट अपॉन में पी, मतलब 4x/x करने के लिए बताया, ये कर दिया आपने, 4/1 आ गया। अब 2 साल बोला गया तो 1/2 के फॉर्म में लिख लीजिए इसको, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक आपने समझा होगा। अब इसको क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में है तो इसको परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब ये 200 नहीं होगा, 200 में से 100 को घटाइएगा, 200 - 100 कीजिएगा तो आपका 100% रेट निकल जाएगा। मतलब रेट कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने बना लिया और कॉन्सेप्ट हमारा चेंज नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन दो वर्ष में बढ़कर 100 रुपए हो जाती है। 2 साल में कितना हो गया, 2 साल में वो धन कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। ठीक है, 2 साल में बढ़कर, उसके बाद बोला गया है कि 3 साल में बढ़कर, 3 साल में बढ़कर कितना हो जाता है, 3 साल में बढ़कर 121 रुपए हो जाता है। 2 साल में 100 रुपए, 3 साल में 121 रुपए। तो दर का क्या करते हैं, दर का निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइम निकाल लीजिए, यहाँ पे टाइम के बीच में गैप निकाल लीजिए तो 1 साल का गैप आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट को ऊपर, कम अमाउंट को नीचे रखेंगे, और यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, जो भी गैप आएगा ना उसको नीचे रखेंगे। मतलब 1/x या 1/2 गैप आया 1 साल का, 2 और 3 साल में, तो 1 को नीचे रखा हमने। अब इसको लिखेंगे सॉल्व करके तो 121/100 हो जाएगा, और इसको परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 121% है, 100 में से घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21%। इस रेट पर ये कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने कितने आसानी से बनाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन को आप समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, आप लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 1.6 गुना और 7 वर्षों में 2.5 गुना हो जाएगा। जैसे अभी बनाए थे, 5 वर्ष में कितना हो गया था, 1.6 गुना, और 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गैप निकाल लेंगे, मतलब गैप आ गया 2 साल का, और यहाँ पे ज्यादा अमाउंट को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, कम अमाउंट को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, क्योंकि यहाँ गैप कितना आया, 2 साल का गैप आया, यहाँ तक आया समझ में। अब इसको क्या करेंगे, 5/4 लिख सकते हैं, अब परसेंटेज में बनाने के लिए 100 किया जाता है, मैंने बताया था परसेंटेज में किसी भी नंबर को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125%। मतलब 100 में से घटा दीजिए इसको, तो 125 को 100 में से घटाएंगे तो 25% है आपका आंसर आ जाएगा। मतलब रेट जो होगा वो 25% होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से बनाया, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ज्यादा आसान है, देखिएगा टाइप 5। यदि कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 8 गुना हो जाती है तो उतने ही धन राशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। तो ये देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, टाइप भी चेंज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से अगर बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और बहुत आसान मेथड से मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 6 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, कितना हो जाता है, 6 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ईयर लिखा, 6 साल में 8 गुना, और क्या लिखा हुआ है, 6 साल में 8 गुना। तो यहाँ पे हम अभी बताएंगे, यहाँ पे क्या कीजिएगा, 8^1/6 कर लीजिए, 8^1/6 कर लेंगे, और फिर क्या लिखा हुआ है कि उतनी ही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगी, कितने समय में 16 गुना हो जाएगी। मतलब एक्स वर्ष में मान लीजिए 16 गुना हो गया, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 16^1/x हो जाएगा, 16^1/x हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा, अब इन दोनों को क्या कीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा, मतलब 8^1/6 इक्वल टू में 16^1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2^3 हो जाएगा, और इसके पावर में 1/6 हो जाएगा, इक्वल टू में
टू के पावर में फोर हो जाएगा, इसके पावर में क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने इन दोनों पार्ट को इक्वेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टू के पावर में चला गया ना, अब इस पे पावर के ऊपर पावर होता है, तो मैंने बताया बेस एक्सपोनेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा टू के पावर में फोर बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री बाई सिक्स है, मतलब बेस को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, दो दो दोनों के पास बेस है तो उसको हटा दीजिए, इक्वल टू में फोर बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तीन दुना हो जाएगा, मतलब ये x का वैल्यू हो जाएगा आठ ईयर, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आठ ईयर में, वो धन क्या हो जाएगा सोलह गुना हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन कितना आसान था और कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, क्वेश्चन नंबर 13 को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 को। यदि कोई धन राशि 6 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, ये हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, यदि कोई धन राशि ब्याज पर 12 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तब वह कितने वर्षों में चारगुनी हो जाएगी। अब 12 साल में, 12 ईयर में वो क्या होती है, 12 वर्ष में क्या होती है, देखिएगा दुगुनी होती है, 12 वर्ष में क्या होता है, दुगुनी होती है, तो कितने साल में चारगुनी हो जाएगी, कितने साल में चारगुनी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, दो के पावर में वन बाई ट्वेल्व और यहाँ पे लिखेंगे चार के पावर में वन बाई एक्स। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दो के पावर में वन बाई ट्वेल्व इक्वल टू में चार के पावर में वन बाई एक्स को इक्वेट करेंगे और यहाँ पे क्या अब लिख सकते हैं, दो के पावर में वन बाई ट्वेल्व रहने देते हैं और यहाँ पे दो के पावर में टू बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, दो के पावर में दो कितना होता है, इस बार हमने डायरेक्ट किया, ये नेग्लेक्ट कीजिए क्योंकि बेस दोनों का सेम है, 1/12 को इक्वेट कर दीजिए x 2/x से, किससे 2/x से, मतलब कि x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 24 वर्ष आ जाएगा, 24 ईयर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था और इस क्वेश्चन को भी हमने काफी आसान तरीके से बना लिया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपए दो वर्ष में तीन गुना हो जाती है, 1200 रुपए दो वर्ष में तीन गुना हो जाती है तब वह 8 वर्ष में कितना गुना होगा। तो 1200 रुपए को भूल जाना है, कोई काम ही नहीं है 1200 रुपए का, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक से बनाने वाले हैं। ठीक है ना, देखिएगा दो वर्ष में क्या होती है, दो वर्ष में तीन गुना हो जाती है, तो दो साल में लिख लीजिए कितना हो जाती है, तीन गुना हो जाती है, तो तीन के पावर में वन बाई दो हो जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीन के पावर में वन बाई दो हो जाएगी। ठीक है, इसको बाद में लिख लेंगे हम लोग, तीन के पावर में वन बाई दो और आठ वर्ष में आठ वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, तो यहाँ टाइम दिया आठ वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, मान लीजिए कि एक्स गुना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं तीन के पावर में वन बाई दो और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर में वन बाई एट। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, मतलब थ्री के पावर में वन बाई टू इक्वल टू में एक्स के पावर में वन बाई एट। अब कैसे इक्वेट करें, अब तो बेस है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग पावर को इक्वेट करेंगे। तो पावर को इक्वेट अगर करें हम लोग, तो वन बाई टू, ठीक है, और यहाँ एक्स के पावर में वन बाई टू लाने के लिए क्या करना होगा, एक्स के पावर में वन बाई टू लाने के लिए हम लोग को, या वन बाई एट ही ला दीजिए यहाँ पे, तो वन बाई एट कैसे लाया जाए, यहाँ पे देखिएगा थ्री के पावर में वन बाई टू और इसको चार बाई चार से गुना कर दीजिए और एक्स के पावर में वन बाई एट पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन के पावर में चार बाई आठ हो जाएगा और इक्वल टू में एक्स के पावर में वन बाई एट है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब तीन के पावर में चार कर दीजिए, तीन के पावर में चार, उसके पावर में वन बाई एट ऐसे लिख सकते हैं और एक्स के पावर में वन बाई एट। अब यहाँ पे एक्स वन बाई एट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे करके, और एक्स इज इक्वल टू में तीन के पावर में चार कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो उस 1200 को क्या कीजिएगा, 81 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है अमाउंट, अमाउंट पूछेगा तो, क्योंकि प्रिंसिपल तो दिया हुआ है, तो अगर अमाउंट पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 97200, मतलब 97200 आपका आंसर होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा इस क्वेश्चन को पहले हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16,
लिखा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपये 3 वर्ष में चार गुनी हो जाती है। 400 रुपये 3 वर्ष में चार गुनी हो जाती है, तो 6 वर्ष में कितनी होगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में कितना हो गया, चार गुनी हो गया। 3 वर्ष में कितना हो गया, चार गुनी हो गया। 6 वर्ष में कितना गुना होगी, 6 वर्ष में कितना गुना होगी, पहले वाला है, तो 6 वर्ष में एक्स गुना। अब यहाँ लिख सकते हैं 4 के पावर में 1/3, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स के पावर में 1/6। अब यहाँ पे सबसे पहले 1/3 को 1/6 बनाने के लिए हम लोग को 2/2 से गुना कर भागा करना होगा, तो यहाँ पे 2/6 आ जाएगा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर में 2, और यहाँ 1/6 डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं, और x के पावर में 1/6, पावर से पावर कट गया, मतलब x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितना हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, अमाउंट निकालने के लिए बोला गया, तो 16 गुना में कितना हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है 400 उससे गुना कर दीजिएगा, तो 6400 रुपये ये अमाउंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपसे पूछा गया कि 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। टाइप यहाँ दोस्तों चेंज होगा, टाइप यहाँ क्या होगा, चेंज होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा, पूछा गया है कि यदि यदि 2500 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर, 2500 रुपये 2 वर्ष में CI और SI का अंतर 400 रुपये है, मतलब डिफरेंस यहाँ कितना दिया है CI SI का, वो दिया हुआ है 400 रुपये, ठीक है। तो दर क्या होगा ये आपको निकालना है, तो D इक्वल टू में क्या होता है PR² है, D इक्वल टू में क्या होता है PR² / 100 इज द होल स्क्वायर, बस इस फॉर्मूले पे पुट कीजिए। तो यहाँ D का वैल्यू दिया है 400 और P दिया हुआ है क्या, हाँ P दिया हुआ है 2500 रुपये, P दिया हुआ है आपको 2500 रुपये। रेट आपको निकालना है तो R² लिख दीजिए, और यहाँ पे 100 गुना में 100 लिख दीजिए, 100 का स्क्वायर होता है ये, कट गया 25 का 25, 25 चौके हो जाएगा, मतलब 4 चौके 1600 हो जाएगा R² का वैल्यू, तो R² इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, R इक्वल टू में 40% है, आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 भी कुछ अलग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी ये आपको निकालना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, मैं दोनों फॉर्मूला पहले लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहे हैं, और इसके लिए मान लीजिए कि आपको रेट निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, तो CI - SI करना होगा पहले, CI - SI / क्या करना होगा, एक वर्ष का वन ईयर का SI लिखेंगे, ठीक है, और गुना में 100 कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। मान लीजिए आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए दिया, तो क्या कीजिएगा, एक साल का जो वन ईयर का जो SI है उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, CI - SI करेंगे, तो ये प्रिंसिपल निकलेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या अलग है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का CI 800 रुपये है, 2 वर्ष का CI ही दिया हुआ है, ठीक है, 2 वर्ष का CI 800 रुपये है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब यहाँ पे बाकी कुछ नहीं दिया है, पी दिया हुआ है, पी नहीं दिया हुआ है, अगर पी दिया होता तो जो हमारे पास फॉर्मूला था पिछले क्वेश्चन वाला वो लगाते हैं, बट हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो ब्याज की दर क्या होगी, मतलब आपसे रेट पूछा गया है, तो रेट पूछा गया है, तो हमारे पास 2 वर्ष का दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो 2 वर्ष का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का 800 रुपये, तो 1 साल का निकाल लीजिए, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 820 - 800 रुपये, CI में से SI को घटा देंगे, बटे में क्या हो जाएगा 1 साल का SI, तो 1 साल का SI मतलब 800 का आधा, मतलब 400 रुपये हो जाएगा, और इसको 100 से गुना करना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20/4, अब ये कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5%, मतलब कि रेट इक्वल टू में कितना प्रतिशत आ गया, 5% आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 बना लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टाइप 7 का, ध्यान से देखिएगा टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 19। किसी धन पर 2 वर्ष का CI 440 रुपये है, 2 वर्ष का CI 440 रुपये है, और SI कितना है, SI कितना है 400 रुपये, तो वह धन निकाले।
अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि एक वर्ष का वन ईयर का SI, वन ईयर का SI द होल स्क्वायर बटे में CI माइनस में SI, यही फॉर्मूला लिखा था। अब यहाँ पे पुट कीजिए, एक साल का अगर हम लोग देखें साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना दिया, 400 रुपए, तो उसका आधा करेंगे तो 200 रुपए हो जाएगा, तो 200 को दो बार गुना कर देंगे, ठीक है। एक साल का ऐसा ही मतलब 200 रुपए, 400 का आधा, और दोनों को घटाएंगे, 440 में से 400 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, मतलब कि पी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हमने बना लिया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो जरूर फॉर्मूला याद करके जाइएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। CI SI दोनों का फॉर्मूला लगा के बनाना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा। अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो 1 मिनट से कम समय में आप बना सकते हैं, 30 से 40 सेकंड में बना सकते हैं आप। आगे देखिएगा टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 20, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कुछ अलग है, उसको आपको ध्यान देना है। क्या अलग है देखिएगा, किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है। दूसरे वर्ष का मतलब सेकेंड ईयर का, यहाँ दूसरे वर्ष का मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आप लोग का ध्यान जाए, दूसरे वर्ष का मतलब क्या होता है कि आफ्टर वन ईयर, एक साल बाद, मतलब एक साल का ही ये दिया हुआ है, केवल आपको बता रहा है कि दूसरे वर्ष का पहला साल खत्म हो गया, दूसरा वर्ष शुरू हो गया। दूसरे वर्ष का SI 400 रुपए, दूसरे वर्ष का CI 450 रुपए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अभी हम लोग क्या किए थे, हम लोग को निकालना क्या है, दर निकालना है। तो रेट इज इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू में CI माइनस में SI, डिफरेंस लिख लीजिए, CI माइनस में SI मतलब डिफरेंस हो गया, और CI माइनस में SI, और SI ऑफ वन ईयर का SI और गुना में 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 450 माइनस में 400 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटे में आप क्या कीजिएगा, एक साल का, तो एक साल का लिखा हुआ है पहले से 400, और गुना में 100 कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 50, यहाँ पे लिखते हैं ना, जगह है हमारे पास है, 50 बटे में 4 हो जाएगा, काटेंगे तो 25 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत, 25 बटे में 2 प्रतिशत। और ज्यादा सॉल्व करके लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 12 पूर्णांक में 1/2 प्रतिशत। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे देख, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आप लोग को क्या निकालना, देखिएगा किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपए, तो वह धन निकाले। तो सेम दूसरे वर्ष का दिया हुआ है, तो उसमें कुछ करना नहीं है, तो आपको क्या करना है, पी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, SI ऑफ वन ईयर का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, CI माइनस में SI लिखेंगे, CI माइनस में SI। अब यहाँ पी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, एक साल का ही दिया हुआ है, तो 840 माइनस में क्या करेंगे, 800 रुपए करेंगे, नहीं यहाँ पे तो SI ऑफ वन ईयर मतलब 800 रुपए, 800 रुपए गुना में 800 रुपए, और 840 माइनस में 800 की जगह तो 40 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पे कितने बार में कटेगा, 20 बार में, मतलब ये कितना आ जाएगा, 16,000, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 16,000 रुपए आ जाएगा। तो यही आपसे दोस्तों पूछा गया था, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 भी कितना आसान है और कितने आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 21 को बना लिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22 और टाइप 9, ध्यान से देखिएगा टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखा गया है कि किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डिफरेंस दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू में कितना दिया है, CI और SI का 48 रुपए दिया हुआ है, तो वह धन निकाले। तो वह धन निकालना है, तो डी इज इक्वल टू में क्या होता है, डी इज इक्वल टू में पी आर स्क्वायर होता है, पी आर स्क्वायर बटे में क्या होता है, 100 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 48 हो जाएगा, और यहाँ पे पी आपको पता नहीं है बट रेट आपको दिया होगा, तो रेट कितना दिया हुआ है देखिएगा, 8%, मतलब यहाँ पे 8 × 8 करेंगे और यहाँ पे 100 × 100 करेंगे, 6 बार में कटेगा, ठीक है ना, 6 बार में कट जाएगा। आगे देखिएगा, आगे और भी कुछ होगा यहाँ पे, 4 × 4 = 25 बार में 4 × 4 = मतलब P इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 75 × 2 = 7,500 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा।
तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 भी दोस्तों हमने काफी आसानी से बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा क्या लिखा है, किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपए है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो धन निकालना है। तो मैंने बताया था 3 वर्ष वाला भी फॉर्मूला आप लोग को बताया था क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखिए 3 साल का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू में पी आर स्क्वायर 300 प्लस में आर यहां लिख देना होता है, 300 प्लस में आर को लिख देंगे, बटे में यहां पे क्या करेंगे 100 का क्यूब करेंगे, बटे में यहां पे क्या करेंगे 100 का क्यूब करेंगे। अब यहां पे कितना आ गया 62 रुपए आ गया, यहां पे कितना आ गया 62 रुपए आ गया। पी आपको निकालना है, वह धन निकालना है, मतलब पी आपको नहीं पता है बट आपको रेट पता है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपको 10 से प्रतिशत मतलब 10 का स्क्वायर गुना में कितना हो जाएगा, दर आपको पता है क्या, दर तो अभी लिखा हमने 310 लिख दे, 310 लिख देते हैं ठीक है, 300 प्लस में रेट करेंगे 10 से तो 310 आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 के जगह पे हम यहाँ 10 स्क्वायर के जगह पे 100 लिख देते हैं, तो 100 गुना में 100 तीन बार ये कट गया, 10 से 10 और कट गया, अब कटेगा नहीं कटेगा, 31 दुना क्या होता है 62 होता है, मतलब कि पी इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा, पी इक्वल टू में 2000 रुपए। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 23 को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को, ठीक है क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, तो 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया और क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है यहाँ देखिएगा 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में CI चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, मतलब डिफरेंस आपको निकालना है। तो D इज इक्वल टू आपको पता है, D इज इक्वल टू में क्या होता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस में R बाई 100 जो जो क्यूब, अब जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो अंतर पूछा है, इस बार डिफरेंस आपको नहीं दिया है बट मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 2000 रुपए, मतलब वही आ जाएगा 62 रुपए क्योंकि वही क्वेश्चन को उल्टा करके दिया हुआ है यहाँ पे। रेट कितना दिया हुआ है 10%, यहाँ पे 100 लिख लीजिए क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है और यहाँ पे 310 लिख लीजिए और ये क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा, 3 बार गुना हो जाएगा ठीक है, ऑल क्यूब है यहाँ पे। तो ये 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया और ये 1000 से 1000 भी कट गया, मतलब 2 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 31 बचा। तो D इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 62 रुपए, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा 62 रुपीज आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 24 भी बना लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि किसी धन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI 1590 रुपए है, तो आपको क्या निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 25 ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में, किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI कितना है 1590 रुपए है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेट हम लोग को दिया है ना, बस रेट को ले लीजिए कितना है ये 12% है। और टाइम कितना दिया है, टाइम को ध्यान रखिए, टाइम को कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है ठीक है। बस इतना डेटा आपके पास है, CI का कुछ काम नहीं है, CI का बाद में काम आएगा, मैं बताऊंगा क्या काम आएगा। अब इसको क्या कीजिए, 12% को क्या कीजिए 112 में कन्वर्ट कीजिए, 112/100 लिख सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कीजिए और छोटा बनाइए। जब कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से कटेगा और 4 से ये कटेगा 28 चौके 25 बार में, तो ये होगा 28/25 हो जाएगा ठीक है, 28/25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि टाइम यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 784 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो 159 आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 159 आ जाएगा, कुछ आप लोग को आइडिया हुआ। देखिए CI कितना है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे CI कितना लिखा हुआ है, CI लिखा हुआ है 1590 लिखा है और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए 159 तक पहुँच गए। बस इसको 10 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे तो हम लोग का अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल वाला फॉर्म बनने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट अपॉन में पी अगर हम लोग लिखेंगे तो 7840 बटे में 6250, 6250 मतलब कि आपका साधारण ब्याज निकालना था तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। अगर आपने प्रिंसिपल निकाल लिया तो आप साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं SI निकाल के, तो SI इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, PRT मतलब 6250 पी है गुना में रेट आपको 12% दिया है, टाइम आपको 2 साल दिया है, बट्टे में 100 कर दीजिएगा, 10 से 10 काट दीजिएगा, 5 से 125 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 125 गुना में 12 कर दीजिए, आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप लोग फॉर्मूले पे जाते तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस क्वेश्चन को बनाने में, बट हमने इस क्वेश्चन को सिंपली बना लिया। तो SI कितना हो जाएगा, SI जब गुना कीजिएगा तो 1500 रुपये SI निकल जाएगा। ठीक है, गुना करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, 1500 रुपये आने वाला है इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो यही आपको निकालना था। तो देख सकते हैं अमाउंट अपॉन में पी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितने आसानी से सभी क्वेश्चन को आप बना पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया कि किसी धन का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 126.10 हो जाता है। ठीक है, तो उस धन पर उसी दर से और उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, उसी को रिपीट किया गया है। तो CI को केवल याद रखिएगा, अभी यूज नहीं है, केवल हम लोग लिख लेते हैं 126.10 रुपीज CI दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेट है उसको लिखिए, रेट कितना दिया है 5%, रेट कितना दिया है 5%। अब इसको क्या कीजिएगा, 105/100 कर लीजिए, 105/100 कर लीजिए और इसको कैंसिल आउट कीजिए, 21/20 हो जाएगा। अब 21/20 में टाइम जो है 3 साल उसको लगा दीजिए, मतलब हॉल क्यूब लगा लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9261। कितना हो जाएगा, 9261, जो कि हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट अपॉन में पी, यहाँ पे कितना आ गया 9261, 9261 बटे में 8000, इन दोनों का गैप निकालिएगा तो 1261 आ जाएगा, जो कि इससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आप हम अच्छे से लिख लेते हैं 9261 बटे में 1200। अब इसको क्या कीजिए, 10 से भागा दीजिए और इसको भी क्या कीजिए, 10 से भागा दीजिए, जब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 926 पॉइंट में 10 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8000 होगा, यहाँ पे 8000 होगा जो यहाँ पे लिखना था, और इसको 10 से भागा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, दोनों के बीच में गैप निकालिएगा तो CI आ जाएगा, मतलब 126 पॉइंट में 10 आ जाएगा। मतलब हम लोग का पी कितना निकल गया, पी हम लोग का 800 रुपये निकल गया, यही चीज़ हम लोग को निकालना था, अब हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। तो SI हम लोग को निकालना है, तो SI इज इक्वल टू में पी की जगह पे 800 रुपये रखिएगा, रेट की जगह पे 5%, टाइम की जगह पे 3 साल, बटे में 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5 40, मतलब 120 रुपये, मतलब कि SI इक्वल टू में 120 रुपये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कितना आ गया, 120 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, और यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन आसान है, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को क्या लिखा हुआ है। 27 में लिखा गया है कि 2500 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9% और तीसरे वर्ष 10% है। तो मैंने इस क्वेश्चन को बताया हुआ है, फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू में पी इंटू में 1+R1/100 इंटू में 1+R2/100 और उसके बाद 1+R3/100, 3 साल का ही दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको 25000 रुपये तो प्रिंसिपल दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है, 25000 रुपये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8%, 9%, 10% है, मतलब 108 हो जाएगा, 108 बटे में 100 हो जाएगा, 109 बटे में 100 हो जाएगा, 109 बटे में 100 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 109 बटे में 100 हो जाएगा, 110 बटे में 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 110 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 110 बटे में 100 हो जाएगा।
दो जीरो से दो जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौके 100 हो जाएगा, ये भी बन गया, 27 बार में कटेगा। बस आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज उसके बाद निकालना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज उसके बाद निकालना है, तो कैलकुलेशन हम लोग का बहुत लंबा हो गया, तो यहाँ पे जब पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32,373 आएगा। कितना आएगा? 32,373 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना आ गया? 32,373। अब यहाँ पे अमाउंट निकल गया, अब आपको सीआई निकालना है, तो इसमें से 25,000 घटा दीजिए, 25,000 इसमें से घटा दीजिए, तो सीआई निकल जाएगा। तो सीआई कितना निकल जाएगा देखिएगा तो ध्यान से, सीआई निकल जाएगा आपका 7,373 आपका सीआई निकल जाएगा। सीआई कितना हो जाएगा? 7,373। तो ये देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। कोई फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखना था जिससे बच जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव आ सकते हैं, बट रेलवे के एग्जाम में सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आते हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं टाइम बचेगा, कहीं ना कहीं टाइम लगेगा भी, देखिएगा आगे। केवल आपको बनाने आना चाहिए, क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। यदि ब्याज की दर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% वार्षिक हो, तो किस धन पर मिश्र धन 11,575.20 रुपए हो जाएगा, ठीक है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 11,000। फॉर्मूला वही अपनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला इस बार नहीं लिखूंगा मैं। 11,575.20 और यहाँ P आपको नहीं पता हुआ है, पता है, और यहाँ पहला 104 हो जाएगा, क्योंकि 4% दिया हुआ है, 104 बटे में 100 हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा? 104 के बाद हो जाएगा 105 हो जाएगा, फिर 106 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 106 दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल कैलकुलेशन करना बाकी है, कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आएगा। देखते हैं कैलकुलेशन करके, तो इसका 100 नीचे उतार लीजिए, इसका 100 नीचे उतार के 10 से 10 काट लीजिए, तो 11,575 ये हो गया, बटे में 10 हो जाएगा, इक्वल टू में काटिए इसको, जितना कटे उतना काटिए इसको, तो ये 26 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये 21 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, और ये 53 बार में कटेगा, और ये 50 बार में कटेगा। मतलब 10 से 10 ये भी कट गया, तो ये जो नीचे 10 वाला झंझट है ना, वो निकल गया। अब यहाँ पे और कुछ कटेगा? अब ये कटेगा, ठीक है ना, अब ये पूरा कटेगा, ठीक है। आप लोग कैंसिल आउट करके मुझे बताइएगा, अगर हम लोग काटे 53 से काटे, लंबा हो जाएगा, फिर भी रिक्स लेते हैं, काटते हैं 53 से, 53 दुना कितना हो जाएगा? 53 दुना 106 हो जाएगा, 53 दुना कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। अब यहाँ 106 में से 115 जाएगा, तो 9 हो जाएगा ना, शायद 9 हो जाएगा। 53 एकम 53, बहुत मुश्किल होगा 53 से काटना, कोई छोटे नंबर से काटते हैं, 53 को अभी रहने देते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है 53 से काटना। 21 से काटेंगे तो आसान होगा, ठीक है, 21 से काट सकते हैं, 26 से काट सकते हैं, या 2 से काट के इसको छोटा करते हैं, 2 से काट के इसको छोटा करते हैं, 2 का 2 ये हो जाएगा 57 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 13 से कटेगा, 13 का 13, 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 13 पच्चीस 65 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब ये 21 से काटा जा सकता है, 21 से काटिए तो 21 का 21, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा 44 52, 21 का 21, 21 दुना 42, 21 दुना कितना होता है? 42 होता है, 21 दुना 42, 2, 21 एकम 21, 21 दुना 42, 212 बार में। अब ये 53 से आसानी से कट जाएगा 4 बार में, मतलब यहाँ पे P इक्वल टू में 4 गुना में 25 गुना में कितना हो जाएगा? 4 गुना में 25 गुना में 20 गुना में 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 100, मतलब P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10,000, P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10,000। तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बनाया, बट यहाँ कैलकुलेशन था थोड़ा लेंदी। अगर आपका टेबल अच्छा है तो आप कैलकुलेशन को बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 बना लिया हमने, अब क्वेश्चन नंबर 29 बनाते हैं हम लोग, ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 29 को, देखिएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा कि किसी शहर की आबादी 8000 रुपए है, यानी किसी शहर की आबादी कितनी है 8000, इनमें से 25% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की आबादी कितनी होगी, 3 साल के बाद पूछा गया है, 3 वर्ष बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला आप लोग के पास है अमाउंट वाला, और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में एक चीज आप लोग को बता देता हूँ, फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा तो फ्यूचर में आप अमाउंट निकालिएगा, और पास्ट में आप क्या निकालेंगे, पास्ट में हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, फ्यूचर हमेशा अमाउंट होता है, प्रिंसिपल पास्ट होता है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो आपको ये चीज देखना है कि फ्यूचर में जाना है कि पास्ट में जाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। किसी शहर की आबादी 8000 रुपए है, इनमें 25% प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, 3 वर्ष बाद पूछा गया है, तो बाद मतलब फ्यूचर, तो अमाउंट इक्वल टू में क्या होता है, पीआरटी अपॉन में 100 होता है, नहीं पी इंटू में 1+ आर बाई 100 टू दी पावर एन होता है, यहाँ पी दिया हुआ है 8000, तो 8000 लिख दीजिए, और यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है 25, मतलब 125% हो जाएगा, रेट दिया हुआ है, और 3 साल के बाद, 3 साल के बाद 25 से 25 चौके हो जाएगा, मतलब 8000 हो जाएगा यहाँ पे गुना में 125 बाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब ये कटेगा 16 से 16 चौके 16 पचे, ठीक है, 4 से ये कटेगा ना, 4 का 4, 4 एकम 4 होता है, 4 दुना, और ये 125 बार में कट जाएगा। अब 125 15625 मुझे लगता है कि यही आंसर आएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 29 का, तो मैंने आंसर सही लिखा है, तो इतने आदमी हो जाएंगे, ठीक है, इतना पॉपुलेशन हो जाएगा शहर का। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हमने बना लिया, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है, तब तक मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, देखिएगा किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, इसमें पहले 10% तथा दूसरे 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद फिर से आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू में 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट इक्वल टू में 8 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू में 8 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है, देखिएगा, और यहाँ पे पहला रेट कितना दिया है, 10%, मतलब 110% हो जाएगा, और दूसरा जो दिया हुआ है 25%, मतलब 125% हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 साल का ही दिया है, तो 2 बार R1 दिया, R2 दिया हुआ है, और इसको काटिए, 1 2 0 से 2 0, 25 पचे हो जाएगा, 25 चौके हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा 100, और ये 110 पे 20 और लग जाएंगे, मतलब ये शहर का जनसंख्या कितना हो जाएगा, 11000 हो जाएगा, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन थे हमारे वो सभी हमने खत्म कर दिए। मान लीजिए कि आपको इसका उल्टा क्वेश्चन दिया होता तो क्या करता, 11000 होता, बोलता प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो सब कुछ आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल आप जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका वो 8000 आ जाएगा, तो हो सकता है कि पूछ दे 2 साल पहले जनसंख्या कितना था 11000 क्वेश्चन में देके, तो इसका उल्टा भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि पास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होता है, ठीक है दोस्तों। SI और CI दोनों हमने कंप्लीट किया, और CI में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चक्रवृद्धि ब्याज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी मैंने आप लोग को करवा दिया, टाइप वाइज करवा दिया, बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को ट्रिक से मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आपको इसके अलावा भी किसी टॉपिक में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। और टोटल 40 क्लास का ये सीरीज है, पूरा कोर्स है, तो इसको आप लोग कंप्लीटली जरूर देखिएगा। इसको देखने के बाद आपका NTPC या रेलवे का किसी भी एग्जाम या ग्रुप डी का एग्जाम, किसी भी एग्जाम का मैथ्स में कोई भी डाउट आप लोग को नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।